जीवन के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है और उनमें से एक है पानी। इसके बिना ना ही जीवन संभव है और ना ही इसकी कल्पना की जा सकती है। वैसे जीवन के लिए बाकी कई सारे चीजों की भी जरूरत है, लेकिन पानी की विशेषता सर्वोपरि है। पानी के बारे में अगर हम एक वाक्य में कुछ कहें तो वो वाक्य होगा, जल ही जीवन है। जहां पृथ्वी पर जल संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ नासा ने हाल फिलहाल में चांद पर पानी को खोज लिया है। नासा ने चांद की एक सतह पर पानी के होने की पुष्टि कर दी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खोज है, क्योंकि इस तरह के आविष्कारों को हम कभी कभार ही देखते हैं। कैसे हुई चांद की सतह पर पानी की खोज? चांद पर पानी की खोज नासा के सोफिया ने की है। सोफिया यानी स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जो कि नासा की स्पेशल लेबोरेटरी है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। तो आप लोगों को बता दूं कि सोफिया एक ऑर्डिनरी लेबोरेटरी नहीं है, ये एक उड़ता हुआ लेबोरेटरी है जो कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद है। इसे नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने मिलकर बनाया है। अगर हम इसके बारे में और ज्यादा बात करें तो ये बोइंग 747 एयरक्राफ्ट के अंदर स्थित है और इसका बेसिक फंक्शन एटमॉस्फेयर के स्ट्रैटोस्फीयर में रहकर एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज पर नजर रखना है। नासा सोफिया ऑब्जर्वेटरी। वैसे सोफिया के लेजर कंट्रोल डिवाइसेस चांद के सरफेस पर होने वाली छोटी सी छोटी घटनाओं पर भी नजर रखने में सक्षम है। वैसे वर्तमान की खोज से ये पता चला है कि चांद के जिस सरफेस पर सनलाइट फॉल होता है, उसी सरफेस पर पानी के पार्टिकल्स मौजूद है। वैसे गौरतलब बात ये भी है कि इस खोज से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चांद के सबसे ठंडे और अंधेरे से घिरे हुए इलाकों के अलावा भी कई अन्य जगहों पर भी वाटर पार्टिकल्स हो सकते हैं। इस खोज से चांद पर कितना पानी के होने का अनुमान है? सोफिया ने अभी चांद के क्लेवियस क्रेटर में पानी के होने की पुष्टि की है, जो कि चांद के साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद है। इससे पहले वैज्ञानिकों को सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के होने के बारे में पता था, लेकिन इस खोज के बाद ये बात तो पक्की हो गई है कि चांद पर पानी मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद के साउथर्न हेमिस्फीयर को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी हिस्से में ही पानी के होने की ज्यादा संभावनाएं बनती है। इस खोज के दौरान सोफिया को चांद पर अभी तक 0.3 लीटर पानी के होने का अनुमान है। इतनी मात्रा में चांद पर पानी का होना कोई साधारण बात नहीं है, और वो भी पूरे तरीके से प्योर स्टेट में। वैसे जिस जगह पर पानी को खोजा गया है, उस जगह पर पानी के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन 100 से 412 पार्टिकल पर मिलियन है। ये पहली घटना है जिसमें इतनी मात्रा में वाटर पार्टिकल्स का एक साथ एक ही जगह पर मिलना हुआ है। वैसे ये पानी चांद के एक क्यूबिक मीटर के इलाके में फैली मिट्टी में पाई गई है। इस खोज का प्रभाव भविष्य में कैसा होगा? हम वर्षों से चांद और मार्स पर पानी के सबूतों को ढूंढते आए हैं और इस उम्मीद में भी हैं कि एक दिन हमें जीवन के पनपने लायक पानी अंतरिक्ष में मिल जाएगा। ये खोज उसी दिशा में एक पहल है और ये आने वाले भविष्य में होने वाले अन्य खोजों पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। इससे साइंटिस्ट्स का मनोबल भी काफी बढ़ेगा और हम उन्हें अंतरिक्ष में कई मुकाम हासिल करते हुए भी देखेंगे। नासा ने साल 2024 तक चांद पर पहली महिला और अगले पुरुष अंतरिक्ष यात्री को भेजने का निर्णय लिया है। इस मिशन को नासा ने आर्टेमिस मिशन नाम दिया है। ऐसे में हम इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि आर्टेमिस मिशन के बाद नासा का अगला कदम शायद चांद पर इंसानों के लिए रहने लायक स्पेस बेस बनाना हो। तो चांद पर पानी का खोज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। फिर भारत भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को शायद चांद पर भेजने का प्रयास करें। तो आप समझ सकते हैं कि ये खोज कितनी खास और ऐतिहासिक है। भारत का चंद्रयान 1 मिशन भी इस खोज के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस मिशन से वैज्ञानिकों को चांद पर हाइड्रोजन पार्टिकल्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था। 1960 से वैज्ञानिकों को लगता था कि चांद एक बिल्कुल सूखी और बंजर रीजन है, लेकिन जब कई सारे देशों ने चांद पर अपना प्रोब छोड़ा तो पता लगा कि चांद के पोलर रीजन में पानी मौजूद है। कंक्लूजन: पृथ्वी के सतह से 45,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ रही सोफिया ने चांद को देखने की हमारे नजरिया को ही बदल दिया है। सोफिया के अंदर एक 106 इंच डायमीटर का टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो कि एटमॉस्फेयर में ही रहकर हमारे यूनिवर्स को काफी अच्छे तरीके से देख सकता है। इस टेलीस्कोप से आप काफी दूर मौजूद ग्रहों तथा उपग्रहों के वातावरण में स्थित 6.1 माइक्रोन आकार के पार्टिकल्स को भी आसानी से देख सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पहली बार है जब सोफिया ने चांद की ओर इतने बारीकी से देखा हो। आमतौर पर ये दूर यूनिवर्स में स्थित गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को देखने में व्यस्त रहती है। वैसे नासा ने अपने लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर से भी पता लगाया है कि चांद के डार्क एरियाज में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है और वहां टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है।